टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के अबाउट जो है वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने चलेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है और इस बिजनेस और इस काम को करने के बाद आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, कितनी अर्निंग कर सकते हैं। और आपको पूरा रोड मैप दूंगा मैं आप लोगों को, और स्टेप बाय स्टेप, अगर आप लोग बिगनर हैं, आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का कुछ भी नहीं पता और ये बिजनेस मॉडल जो है वो किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से आप इसमें काम कर सकते हो, इसकी ए टू जेड आप लोगों को पूरा रोड मैप मिलेगा और सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल जाएंगी कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है और उसका जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरह से पूरा काम करता है। तो अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग का काम करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं अगर आप लोगों को ये बताता चलूं कि एफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री ने पिछले गुज़िश्ता 2-3 सालों के अंदर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का जो बिजनेस किया है वो यही एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस मॉडल है, ठीक है। तो इस बिजनेस मॉडल में आप लोगों का भी कुछ कंट्रीब्यूट हो सकता है अगर आप इस बिजनेस मॉडल को रख के और इसमें अगर आप फर्दर काम करेंगे और इस काम से जो है वो किस तरह से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो पूरा इसका जो रूट मैप है, आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज जो है वो आप लोगों को यूज़ करने पड़ेंगे एफिलिएट मार्केटिंग का काम करने के लिए। तो दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आप लोगों को पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे और उन्हीं स्टेप्स के साथ अगर आप चलेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ आप लोगों को लाखों रुपए यहाँ से अर्निंग कर सकेंगे और बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं अगर आप लोगों ने वो रूट मैप और अगर आप लोगों ने ये स्टेप्स फॉलो किए तो। तो चलते हैं अपना जो है वो वीडियो की तरफ। स्टेप नंबर 1, योर नीश, ठीक है। अब आप लोगों को नीश फाइंड करना लाजमी है। अब नीश क्या है दोस्तों? नीश यही होता है कि आप लोगों का वो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जो आप लोग जो है वो सेल करेंगे, जहाँ जिसकी एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल वो कप भी हो सकता है, वो ग्लास भी हो सकता है और वो कपड़े भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसी आप लोगों को प्रॉपर कोई एक नीश पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। उसी नीश के अंदर आप लोगों ने काम करना पड़ेगा, उसी नीश के रिलेटेड आप लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के पास, क्योंकि बहुत सारे अभी हमारे पास ऑप्शन बढ़ गए हैं, तो इस वजह से आप लोगों को एक नीश सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद नंबर 2, एफिलिएट रिसर्च, एफिलिएट प्रोग्राम्स, ठीक है। अब आप ने फॉर एग्जांपल नीश को तो सिलेक्ट कर लिया, बिल्कुल कर लिया, अब आप लोगों ने क्या करना है, रिसर्च करनी है कि एफिलिएट प्रोग्राम कौन कौन से आप लोगों को मिल रहे हैं। अब अगर एफिलिएट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो जो अमेजोन है वो बहुत बड़ा उसका जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम है और बहुत टाइम ये बड़े लेवल पे जो है वो काम कर रहा है। तो हम लोग रिसर्च करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज है जिनके साथ हम मिलके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, जिनकी मार्केटिंग या जिसके बिजनेस को हम ग्रो करवा सकते हैं अपनी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। तो उसमें जो बड़े अमेजोन है, क्लिक बैंक है, शेयर सेल है और CJ एफिलिएट है, ठीक है। ये जो है वो मेजर बनी है, उसके अलावा बहुत सारी हैं, ठीक है। आप रिसर्च करें, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करेंगे, सही है, कि कौन सी जो है वो कंपनी के साथ हमने जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग करनी है। उसके बाद नंबर 3 है जो है बिल्ड योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने कोई भी प्लेटफॉर्म अपना बिल्ड करना है ऑनलाइन। बिल्ड योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मतलब ये होगा कि आप लोगों ने कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बिल्ड करना हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने वेबसाइट बनाई, ठीक है, उस पर काम किया, या आप लोगों ने ब्लॉग बनाया, ब्लॉग बना के आप लोग ब्लॉग लिख रहे हैं उसके बाद वो ब्लॉग आपने बनाया, उसको लिखा, उसके नीचे अपनी एफिलिएट लिंक दे दी और वहाँ आप लोगों को जो है वो अपनी कोई वेबसाइट बनानी है, सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म वगैरह बनाने हैं, इंस्टाग्राम होगा, फेसबुक होगा, और वहाँ पे आप लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से मार्केटिंग करनी है और आप लोगों का अपना जो प्रोफाइल है उसको बिल्ड करना है, ठीक है। तो तभी आपकी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का काम आपका चलेगा। उसके बाद नंबर 4 में आता है क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है। वो अगर आप लोग सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कंटेंट बना रहे हो या ब्लॉगिंग कर रहे हो, उस तरह अपनी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग ब्लॉगिंग के थ्रू कर रहे हो या सोशल मीडिया की तरह कर रहे हो, या फिर आप लोग जो है वो जो एफिलिएट लिंक्स जो आप लोग दे रहे हो, तो आप लोगों को हाई क्वालिटी कंटेंट देना है जिससे कि लोग आपके कंटेंट को पसंद करें, लोग आपको पसंद करें, आप लोगों की जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम आपके पास रीच करे, तभी आपका जो है वो काम चलेगा। उसके बाद हमारा है ड्राइव ट्रैफिक। अब हमने क्या करना है, हमने ट्रैफिक को, मैक्सिमम ट्रैफिक को जो हमने अपने जो है वो कवर में लेके आना है, क्योंकि जितनी ट्रैफिक हमारी बढ़ेगी
तो हमारी जो है वो सेल्स ज़्यादा होगी, एफिलिएट लिंक पे क्लिक ज़्यादा आएंगे और लोग हमारे यहाँ से चीज़ें खरीदेंगे और हमें फ़ायदा होगा। अब वो उसकी डिफरेंट हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उसमें यूज़ करेंगे, कंपेन चलाएंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, विजिटर प्लेटफॉर्म करेंगे, वो एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, या सारी चीज़ें जो है वो आपकी ड्राइव ट्रैफिक में आ जाती हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये सारी स्ट्रेटजी यूज़ करके आप लोगों ने अपनी जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का काम करना है। देखिए ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमारे जो है वो कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर आपको आंसर मिलेगा। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता चलूँ कि ये जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, इन सारे टॉपिक्स पे अलग से एक एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को चीज़ों को और भी सिंप्लीफाई कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं, जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी वो सारी इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आएंगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम का पूरा कोर्स बना हुआ पड़ा है, आप वो जाके चेक कर लें, पूरी वीडियोस प्रॉपर वन बाय वन वहाँ पे भी रखी होंगी, आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।